Yes, come in. आपने बुलाया था सर? ये लेटर है, मैं चाहता हूँ आप इसकी फोटोकॉपी बना के हमारे हर स्टूडेंट के पेरेंट्स के पास ये पहुँचा दे। ओके सर। थैंक यू। और प्रशांत सर को बुला दीजिए। जी सर। डियर पेरेंट्स, एग्जाम्स नज़दीक आ चुके हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग बेचैन हैं कि आपके बच्चे एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन ध्यान रखें, ये बच्चे जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं इनमें भविष्य के कलाकार भी हैं, जिनकी अगर मैथ्स में कम मार्क्स आती है तो कोई बात नहीं है, इनमें बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि भी बैठे हैं, जिनकी इंग्लिश लिटरेचर या हिस्ट्री में कम मार्क्स आए तो कोई बड़ी बात नहीं। इन बच्चों में भविष्य के बड़े बड़े सिंगर्स भी हैं, जिनकी नज़र में केमिस्ट्री के कम अंकों का कोई महत्व नहीं। इन बच्चों में भविष्य के एथलीट्स भी हैं, जिनकी नज़र में उनके मार्क्स से ज़्यादा उनकी फिटनेस ज़रूरी है। लिहाजा अगर आपका बच्चा ज़्यादा नंबर लाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वह ज़्यादा नंबर नहीं ला सकता है तो आप बच्चे से उसका आत्मविश्वास और उसका स्वाभिमान ना छीने। अगर वह अच्छा नंबर नहीं ला सके तो आप उन्हें हौसला दीजिए कि कोई बात नहीं बच्चे, ये एक छोटा सा इम्तिहान ही तो है, वह तो ज़िंदगी में इससे भी कुछ बड़ा करने के लिए बनाए गए हैं। अगर वह कम मार्क्स लाते हैं तो आप उन्हें बता दें कि आप फिर भी उन्हें प्यार करते हैं और आप उन्हें उनके कम अंकों की वजह से जज नहीं करेंगे। ईश्वर के लिए आप ऐसा ही कीजिए, और जब आप ऐसा करेंगे फिर देखिएगा आपका बच्चा दुनिया भी जीत लेगा। एक इम्तिहान और कम नंबर आपके बच्चे से इसके सपने और इसका टैलेंट नहीं छीन सकते। और हाँ, प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि इस दुनिया में सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही खुश रहते हैं। अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा दीजिए। केवल अच्छे मार्क्स ही आपके बच्चों का भविष्य नहीं है। धन्यवाद। आपका प्रिंसिपल।